जब भी आप जिम में कोई वर्कआउट परफॉर्म करते हैं कोई मसल मूवमेंट करते हैं तो हम जानते हैं कि वो तीन पार्ट में डिवाइडेड होती है और वो है कंसेंट्रिक आइसोमेट्रिक और एसेंट्रिक मूवमेंट अगर इसको मैं प्रैक्टिकली आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो इसका एग्जांपल लेते हैं हम बाइसेप कर्ल से तो अगर हम एक बाइसेप कर्ल का एग्जाम्पल लेते हैं तो जब हम डम्बल को ऊपर लेके जाते हैं जहां पर हमारी मसल शॉर्टन हो रही है यह है कंसेंट्रिक मूवमेंट जब हम इसी डम्बल को नीचे लेकर आते हैं जहां पे हमारी मसल लेंथन हो रही है उसे हम कहते हैं एसेंट्रिक और इस पूरी मूवमेंट के बीच में अगर किसी भी जगह पे हम इस डंबल को स्टेशनरी कर देते यानी मूवमेंट नहीं कर रहे तो वो है आइसोमेट्रिक मूवमेंट जहां पर आपकी जो मसल लेंथ है वो चेंज नहीं होता तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो एसेंट्रिक मूवमेंट है वो क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों मैक्सिमम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं जब भी वो ट्रेन कर रहे होते हैं स्टडीज में जब कंसेंट्रिक और असेंट्रिक मूवमेंट्स को कंपेयर किया गया तो उसमें देखा गया कि एसेंट्रिक मूवमेंट कंसेंट्रिक के कंपैरिजन में 20 टू 60 परसेंट ज्यादा फोर्स जनरेट करती है ऑल्सो जब हम मसल सोरनेस वगैरह की बात करते हैं मसल डैमेज की बात करते हैं तो एसेंट्रिक मूवमेंट उसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है इनफैक्ट मसल सोरनेस जो मैक्सिमम लोगों को होती है या डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस होती है उसका वन ऑफ द मेजर रीजन इज एसेंट्रिक ट्रेनिंग ऑल्सो स्टडीज में दिखाया गया है कि जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो चाहे आप सब मैक्सिमल वेट लिफ्ट कर रहे हो मैक्सिमल वेट यानी 100% परसेंट वन रैप मैक्स लिफ्ट कर रहे हो या सुपरा मैक्सिमल यानी 105 एंड फाइव टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी परसेंट वन रैप मैक्स वेट लिफ्ट कर रहे हो ये डिस्कवरी के एसेंट्रिक ट्रेनिंग कंसेंट्रिक से ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस करती है ये कोई रीसेंट डिस्कवरी नहीं है इसको 1882 में ही डिस्कवर कर लिया गया था हाँ और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से एसेंट्रिक ट्रेनिंग काफी ज्यादा नोन होने लगी स्पेशली जब हम हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करते हैं जिसमें सबसे फेमस नाम आते हैं नॉटलेस कंपनी के फाउंडर आर्थर जोन्स के साथ साथ माइक मेंजर और उसके अलावा बहुत सारे हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग फॉलोअर्स जो एसेंट्रिक ट्रेनिंग को अपनी वर्कआउट्स में बहुत एक्सटेंसिवली यूज करते थे स्पेशली स्लो एसेंट्रिक्स को अब अगर स्टडीज में यह चीज देखी गई है कि एसेंट्रिक ट्रेनिंग में जो आपकी फोर्स प्रोडक्शन है वो 20 टू 60 परसेंट इंक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू कंसेंट्रिक मूवमेंट तो क्वेश्चन आता है कि क्या यही बेनिफिट हमें हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग में भी दिखता है तो आंसर इज यस बट डिफरेंस कोई बहुत ज्यादा नहीं है एक मेटा एनालिसिस स्टडी में देखा गया कि ऑन एन एवरेज जो एसेंट्रिक मूवमेंट्स होती हैं वो कंसेंट्रिक के कंपैरिजन में ज्यादा हाइपरट्रॉफी प्रोड्यूस करती हैं हाउएवर जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता और वो डिफरेंस भी इसलिए माना गया क्योंकि जो फोर्स प्रोडक्शन एसेंट्रिक मूवमेंट के टाइम ज्यादा हो रहा है उसी की वजह से स्ट्रेंथ इंक्रीज ज्यादा होता है और इन टर्न हाइपरट्रॉफी इंक्रीज होती है तो इन सिंपल टर्म्स अगर हम एसेंट्रिक ट्रेनिंग को कंसेंट्रिक मूवमेंट या आइसोमेट्रिक मूवमेंट से कंपेयर करते हैं तो हाइपरट्रॉफी इंक्रीज स्ट्रेंथ इंक्रीज फोर्स प्रोडक्शन और ओवरऑल मसल मास इंक्रीज के लिए ये दोनों की दोनों मूवमेंट से बेटर है हाउवर इसका मतलब ये नहीं है कि कंसेंट्रिक मूवमेंट जो है उसका कोई यूज नहीं है या वो नहीं करनी चाहिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसे मैंने बताया कि डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है जब हम हाइपरट्रॉफी की बात करते हैं इसीलिए जब हम एक मूवमेंट को परफॉर्म करने की बात करते हैं जो मैं भी आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली तो उसमें हमें किस तरह से

स्लो एसेंट्रिक्स परफॉर्म कर रहे हैं यानी आपकी एसेंट्रिक मूवमेंट स्लो है तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है हाउएवर यहां पे भी एक क्वेश्चन आता है कि भाई स्लो का मतलब कितना स्लो तो इसमें भी एक स्टडी हुई क्योंकि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो एसेंट्रिक मूवमेंट को स्लो के नाम पर बहुत ज्यादा स्लो परफॉर्म कर रहे हैं अभी एक लेटेस्ट स्टडी में स्लो एसेंट्रिक मूवमेंट्स को आपस में कंपेयर किया गया जिसमें एक मूवमेंट में एसेंट्रिक परफॉर्म करते समय चार सेकेंड लिए गए लोअर करते हुए वेट और दूसरे मूवमेंट में दो सेकंड लिए गए वेट को लोअर करते हुए और स्टडी में देखा गया कि जब हम हाइपरट्रॉफी और स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं तो चार सेकंड एसेंट्रिक मूवमेंट में वेट को लोअर करने में और दो सेकंड वेट को लोअर करने में ज्यादा डिफरेंस नहीं आया इसका मतलब यह कि अगर आप जिम में कोई मूवमेंट परफॉर्म कर, कर रहे हैं कोई वेट ट्रेनिंग मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके एसेंट्रिक्स स्लो होने चाहिए लेकिन इतने स्लो नहीं होने चाहिए क्योंकि उससे कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं आएगा अब जो थर्ड मेजर पॉइंट में ऑब्जर्व हुआ है वो ये है कि जो एसेंट्रिक मूवमेंट्स है उसका एनर्जी कॉस्ट एज कंपेयर टू कंसेंट्रिक मूवमेंट लो होता है इसका सिंपल मतलब यह है कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एसेंट्रिक ट्रेनिंग करते हुए आपकी मसल ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर रही है डिस्पाइट ऑफ दैट जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी यूज कर रही है स्पेंड कर रही है वो कंसेंट्रिक मूवमेंट के कंपेरिजन में कम है इसका मतलब है कि अगर आप अपनी वर्कआउट में प्रॉपर असेंट्रिक मूवमेंट्स को इंक्लूड करते हैं तो एक तो आपकी फोर्स प्रोडक्शन इंक्रीज होगी आपकी हाइपेट्रॉफी का स्ट्रेंथ बेटर होगी और साथ साथ आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज कम हो रहा है और आप अपने वर्कआउट को लंबा लास्ट कर सकते हैं जो नेक्स्ट बेनिफिट देखा गया है वो है कि एसेंट्रिक मूवमेंट्स अगर आप प्रॉपरली परफॉर्म कर रहे हैं तो इसमें आपका आईजीएफ वन और प्रोटीन सिंथेसिस दोनों इंक्रीज होते हैं बेटर एज कंपेयर टू कंसेंट्रिक मूवमेंट जो नेक्स्ट चीज ऑब्जर्व करी गई है वो ये है कि एज कंपेयर टू कंसेंट्रिक मूवमेंट एसेंट्रिक में मसल डैमेज ज्यादा होता है हाउएवर जो स्पेसिफिक मसल फाइबर जिसमें डैमेज ज्यादा देखा गया वो है टाइप टू मसल फाइबर यानी फास्ट ट्विच मसल फाइबर इसीलिए एसेंट्रिक ट्रेनिंग जो है वो आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज पावर इंक्रीज स्पीड मूवमेंट्स में बहुत ज्यादा ट्रेनिंग सारे सारे तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है लेकिन इन सारे रीजन के बेसिस पर एक और पॉपुलेशन ग्रुप है सेंट्रिक ट्रेनिंग बहुत बेनिफिशियल है और वो है एल्डरली या रिहैबिलिटेशन जो मेडिकल या इंजरी से रिहैब कर रहे हैं उन लोगों में ट्रेनिंग बहुत अच्छी देखी गई है और वो किस लिए बिकॉज जैसे हमने देखा कि इसमें एनर्जी स्पेंड कंसेंट्रिक के कंपैरिजन में कम है और उसके कंपैरिजन में हाइपरट्रॉफी और स्ट्रेंथ इंक्रीज ज्यादा है इसलिए मैक्सिमम इंडिविजुअल या एथलीट जो किसी इंजरी से सफर कर रहे हैं जैसे एसीएल इंजरी है या किसी मसल स्ट्रेन से सफर कर रहे हैं उन सबके केसेस में रिहेबिलिटेशन के समय एसेंट्रिक मूवमेंट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करा जाता है उसके अलावा जिन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में थ्रोइंग जंपिंग या ऐसी मूवमेंट्स मूवमेंट्स है वहां भी एसेंट्रिक एसेंट्रिक ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा थ्रोइंग्रिका देते हैं कोचेस अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि किस तरह से जिम में आप जब भी कोई मूवमेंट परफॉर्म करते हैं किसी भी बॉडी पार्ट के लिए तो उसमें किस तरह से कंट्रोल्ड एसेंट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो कंट्रोल्ड एसेंट्रिक का मतलब यही हुआ कि किस तरह से एसेंट्रिक मूवमेंट परफॉर्म करते समय आपको अपनी स्पीड को कंट्रोल करना है उसे स्लो डाउन करना है जैसा हमने अब ये देखा तो अगर मैं प्रीचर कल परफॉर्म कर रहा हूं तो जो मेरा एसेंट्रिक मूवमेंट होगा वो स्लो होगा फुल रेंज ऑफ मोशन एंड एक्सप्लोड अप, कॉन्ट्रैक्ट स्लो डाउन फुल रेंज ऑफ मोशन एक्सप्लोड अप। इसी तरह से बाइसेप्स की आप जो भी मूवमेंट करते हैं उसमें एसेंट्रिक्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं सेम आता है ट्राइसेप्स की मूवमेंट पे सिमिलर जब हम ट्राइसेप्स की मूवमेंट लेते हैं तो लेट्स से हम रोप पुश डाउन कर रहे हैं यहां पर जो आपकी कंसेंट्रिक मूवमेंट होगी वो होगी लोअरिंग जहां पे आपने पूरा एक्सटेंड किया कॉन्ट्रैक्ट किया मसल को और उसके बाद स्लो डाउन टिल फुल रेंज ऑफ मोशन एंड अगेन पुश डाउन फास्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड स्लो डाउन फुल रेंज ऑफ मोशन तो इसी तरह से ट्राइसेप्स की जितनी भी मूवमेंट्स आप परफॉर्म करें उनमें आपको कंसेंट्रिक्स को इस तरह कंट्रोल करना है सिमिलरली जब हम चेस्ट की बात करते हैं तो चाहे आप डंबल प्रेस करें या बेंच प्रेस स्लो डाउन द मूवमेंट प्रॉपर स्ट्रेच एंड एक्सप्लोड अप अगेन स्लो डाउन द मूवमेंट एसेंट्रिक एंड एक्सप्लोड अप सिमिलरली बैक की सारी एक्सरसाइज जैसे लैट पुल डाउन कर रहे हैं तो यहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट जो आपकी कंसेंट्रिक मूवमेंट है और लोअरिंग यानी असेंट्रिक में स्लो डाउन प्रॉपर स्ट्रेच बैक का कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्ट सिमिलरली जब हम हैमस्ट्रिंग में लेग कर्ल कर रहे हैं तो कंसेंट्रिक मूवमेंट फास्ट स्लो डाउन सेंट्रिक, पूरा स्ट्रेच कंसेंट्रिक फास्ट स्लो डाउन द सेंट्रिक्स इसी तरह हम लेग एक्सटेंशन का एग्जांपल ले रहे हैं को के लिए तो यहां पर भी आपकी जो कंसेंट्रिक मूवमेंट है दैट विल बी फास्ट एंड स्लो डाउन फास्ट स्लो डाउन इसी तरह से अगर आप किसी भी बॉडी पार्ट की कोई भी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं तो एसेंट्रिक्स को अगर आप कंट्रोल करते हैं तो अभी हमने देखा उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके अलावा भी कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट्स हैं फॉर एग्जांपल अगर आप एसेंट्रिक्स कंट्रोल करते हैं तो आपका माइंड मसल कनेक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है क्योंकि आपका फोकस जो है वो टेम्पो को या टाइम अंडर टेंशन को मेनटेन करने में रहता है जहां पर आपका फोकस मसल पर रहता है ऑल्सो अगर आप एसेंट्रिक्स कंट्रोल कर रहे हैं तो ओवरऑल जब आपकी मूवमेंट कंट्रोल होती है स्पीड कंट्रोल होती है तो आपके इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाते हैं इसके अलावा कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जिसमें एसेंट्रिक कंट्रोल जनरली नहीं आता है फॉर एग्जाम्पल डेड हुआ या क्लीन एंड जो या स्नैच मूवमेंट जैसी हु जो एक्सप्लोजिव मूवमेंट्स है यहां पर आप एसेंट्रिक कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन इसके अलावा जितनी भी स्ट्रेंथ या हाइपरट्रॉफी बेस्ड मूवमेंट्स हैं उनमें एसेंट्रिक्स को अगर आप कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल होगा तो आई होप एसेंट्रिक ट्रेनिंग के बेनिफिट्स क्या हैं और इसे कैसे अपनी ट्रेनिंग में इंक्लूड करना है यह आपको समझ में आ गया होगा और ऐसे बहुत सारे वीडियोज के लिए देखते रहिए बियस्ट ऑपिक